सपने पूरे हो गए, जितने महापुरुष हैं सबके सपने पूरे हो, उनके नारा ही था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और वास्तव में सबसे ज़्यादा अगर बात देखी गई बेटियों के प्रति, तमाम उसमें देखा होगा तमाम ग्रंथ छपे, उन ग्रंथों में अगर देखा जाए तो हकीकत में कहीं पर महिला का सम्मान नहीं दिया गया। अगर महिला का सम्मान दिया जाता तो उनको वोट डालने का अधिकार होता। आज वोट डालने का अधिकार आपको मिला, लेकिन संविधान से मिला है। मैं आपसे फिर उसी बात को दोहराता हूँ, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलता, जो एक प्रकार का मिथक धर्म है, लेकिन सार्थक धर्म समझिए। अगर आप रामायण की किताब रख लेते हैं, मैं विपक्ष नहीं हूँ, कुरान की किताब रख लेते हैं, हदीस की किताब रखते हैं, ईसाई की किताब रखते हैं भाई, तो कम से कम एक संविधान की किताब रख लो। और संविधान की किताब अगर तुम्हारे घर में होगी तो तुम्हारी जिंदगी अंधेरा नहीं जाएगा। अच्छा कहीं फुर्सत तो एक ही अनुच्छेद पर आपको पता चलेगा कि मनुष्य का जीवन क्या है, आप समझ जाओगे हम क्या है। और जो बेटियाँ बैठी हैं ये तो तीन पीढ़ियों तक का सुधार कर देंगी। मैं ऐसी बेटियों को इन्हीं को देवियाँ समझता हूँ। जब कभी कभी लोग पूछते हैं कि तलाब आपके हाथ में बंधा है, किसी बेटी ने मुझको बांधा होगा, आपको याद है कब आपसे बंधवाया था? याद है, वो कटा दूसरा फिर बंधवा लिया। लेकिन लोग जानते हैं इसको मंत्र दे करके, ये क्या है, ये हमारे अनुशासन का कलावा है, मेरी बहनों का आशीर्वाद है, आड़ी वर्मा का कुछ नहीं होगा। समझ रहे हैं? इस तरीके से आप ये समझ लीजिए, आपकी दुआएं हैं, आपका आशीर्वाद है, तरफ प्रसन्न चले जेब में एक पैसा नहीं, लेकिन पैसे वाले लोग बहुत हमारे पास हैं। एक भी गाड़ी नहीं, गाड़ी वाले तमाम लोग हैं। और जो राजनीति के हैं जैसी जगह पहुँच गए हैं, राजनीति के साथ अवसार अगले माध्यम पहुँच पाएंगे। अब बताइए भारत के तल सेनाध्यक्ष कर्नल ये सब अगर हमको मिल गए तो अपने को मैं क्या समझूंगी, हम लोग समझेंगे। अब लोग आते हैं चुपचाप मिलने चले जाते हैं, हमने कहा भैया मुझे अपना राष्ट्र निर्माण करने दो, हमको डिस्टर्ब न करो। तो मैं बहुत प्रभावित भी हुआ हूँ, आपको आशीर्वाद भी मिला है, मैं आत्मा से आपके साथ सदैव रहता हूँ, विचार भी हमारे आपके मिलते हैं, कर्म भी मिलते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक निवेदन करेंगे, दो मिनट, मैंने वाणी की बात की है तो कोई एक क्षण अगर पढ़ देते हैं, मैं एक चीज़ आप बता दूँ, हमारे देवेंद्र भैया जो हैं आज आपके आशीर्वाद से गाँव से डॉक्टरेट की डिग्री मिली है, तो जोरदार ताली अभी एक बेटी को कैप्टन से मेजर बनाया है, तो आर डी वर्मा का तिरंगा लहरा रहा है। अगर मेरा बच्चा यहाँ पर गरीब का बच्चा 30 रुपये पाने वाला डेली, यहीं पर संजा मंजा गांव है, उसके बेटे को मैंने मौसम वैज्ञानिक में भेजा है, आज मुझे मौसम बताता है, तो मैं बहुत प्रभावित हूँ। और मेरा मकसद है किसी राजा के बेटे को राजा बनाना, क्योंकि राजा का इतिहास जानते हो, अगर रानी के पेट से राजा पैदा होता है, आज बेटी से पैदा होता है राजा, और वो ताकत आपके पास है। लेकिन मैं किसी राजनीति की बात नहीं करूंगा, आचार संहिता लगी है, लेकिन अपने मतदान नहीं मताधिकार का प्रयोग करो। जिस प्रत्याशी को आप समझते हो आसानी से मिल जाए, आपकी बात सुन ले, आपका विकास करे।